मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान की विधियां, आज का हमारा टॉपिक है। जो नया बैच स्टार्ट हुआ है सोशल साइकोलॉजी का, उसमें आज ये फोर्थ क्लास है, चौथी क्लास है। इससे पहले हमने एक वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, देन उसके बाद हमने डेफिनेशन और नेचर, और लास्ट में हमने सोशल साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में डिस्कशन किया था। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सोशल साइकोलॉजी न्यू बैच के नाम से मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं विधियों की। जैसा कि आपने पहले भी विधियों के बारे में पढ़ रखा होगा, जब आपने बीए फर्स्ट ईयर में बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का पेपर पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आपने प्रयोगात्मक विधि, प्रेक्षण विधि, इसके साथ साथ अंतःनिरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे भी वही सारी विधियाँ हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर आपको समाज मनोविज्ञान के कंटेक्स्ट में, उसके परिप्रेक्ष्य में, या उसको ध्यान में रखते हुए इन विधियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि के बारे में, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि के अगर हम मेन बिंदुओं की बात करें जिन्हें आपको याद रखना है, तो वो ये है कि प्रयोगात्मक विधि का जो आधार होता है वो क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट होता है। प्रयोग प्रयोगात्मक विधि का आधार होता है। दूसरी जो इसमें जानने वाली बात है वो ये है कि इसमें कंट्रोल कंडीशन में, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में या कंट्रोल सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट होता है। जो प्रयोग करता है वो स्थिति को अपने नियंत्रण में रखकर प्रयोग करता है। इसके बाद जो एक अन्य मेन पॉइंट है याद रखने के लिए, वो है कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, कारण और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो ये मेन तीन चीजें हैं जो इसका बेस हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। अब आते हैं हम नोट्स की तरफ, यहाँ पर क्या बताया गया है इसको देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि समाज मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का महत्व काफी है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर प्रयोग क्यों किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए। अब प्रयोग से तात्पर्य क्या होता है, तो आप पहले ही इसको जान चुके हैं कि प्रयोग से तात्पर्य है किसी नियंत्रित परिस्थिति में किया गया निरीक्षण। जब हम परिस्थितियों को नियंत्रित करके किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसे ही हम प्रयोग कहते हैं। और इसका एक फायदा ये होता है कि हम इसे दोहरा भी सकते हैं, और दोहराने पर हमें अगर सेम रिजल्ट प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं यह प्रयोग काफी विश्वसनीय है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। प्रयोगात्मक विधि का आधार प्रयोग होता है, इसमें हम कंट्रोल सिचुएशन में रिसर्च करते हैं या बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसमें हम कारण प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आगे देखें तो वही चीज बताई गई है कि समाज मनोविज्ञान में जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य कारक प्रभाव का अध्ययन है, यानी कॉज एंड इफेक्ट का, कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है यहां पर। इसको अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें क्या बताया गया है कि इसके लिए समाज मनोवैज्ञानिक उस कारक या चर में कुछ फेरबदल करते हैं, और फिर उस फेरबदल का प्रभाव अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार पर देखते हैं कि क्या उस कारक या चर में फेरबदल करने से उस सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ है, जैसे कि हम लोग पहले करते थे। अब आप सभी चर के बारे में जानते होंगे कि चर क्या होता है, तो क्योंकि हमने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में नीचे जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पर रिसर्च का प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर आपको चर के बारे में बताया गया है। यहां पर आप इतना जानिए कि चर वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी गुण हो सकता है, जिसको हम माप सकते हैं और जिसका मान परिवर्तित होता रहता है।
चर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित और बाह्य चर। तो समाज मनोवैज्ञानिकों में क्या बताया यहाँ पर, इन्होंने बताया कि हम एक चर में फेरबदल करते हैं और दूसरे चर पर उसका प्रभाव देखते हैं। ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझें कि मान लीजिए हमें विश्वसनीयता का प्रभाव देखना है मनोवृत्ति परिवर्तन पर। मतलब कोई विश्वसनीय व्यक्ति है और वो व्यक्ति अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उस इन्फॉर्मेशन का लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एक समाज है जहां पर अभी भी छात्र छात्राओं का एक साथ स्कूल नहीं है, वहां पर को एजुकेशन नहीं है, और एक व्यक्ति विश्वसनीय व्यक्ति जो उस समाज में काफी विश्वसनीय है, लोग उसका सम्मान करते हैं, और वो आता है, वो क्या बताता है, वो कहता है कि यहाँ पर स्कूल होना चाहिए, समाज इससे आगे बढ़ेगा, समानता आएगी, बहुत सारी बातें उसके बारे में बताता है। अब वो कितना विश्वसनीय है और उसकी बातें कितना प्रभावित करती हैं, जैसे वो व्यक्ति है और ये समाज है, अब इसकी बातें इनको कितना प्रभावित करती हैं, उसी चीज़ का हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या हुआ, जैसा कि आप अभी आगे देखेंगे कि स्वतंत्र चर क्या होता है, जिसका हम प्रभाव देखते हैं, और आश्रित चर जिस पर हम प्रभाव देखते हैं। तो हम प्रभाव किसका देख रहे हैं, हम विश्वसनीयता का प्रभाव देख रहे हैं किसके ऊपर, मनोवृत्ति पर। अब स्वतंत्र चर में हम हेरफेर भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें घटा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि एक चर में कुछ हेरफेर करता है और उस चर का प्रभाव दूसरे पे देखता है। तो कैसा हेरफेर हो सकता है यहाँ पर, कि जो व्यक्ति है वो एक घंटे डेढ़ घंटे तक उस बारे में बताए, या वो व्यक्ति चाहे तो केवल 15 मिनट ही उस बारे में बताए। तो वो जोड़ तोड़ हो गया ना, वो अपने भाषण को बढ़ा भी सकता है और भाषण को घटा भी सकता है, और दोनों चीजों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, लोगों की मनोवृत्ति पर पड़ रहा है, या पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो तो रिसर्च के बाद में पता चलेगा। बट यहाँ पर हम अध्ययन जो कर रहे हैं प्रयोग में, वो ऐसे ही होता है कि हम एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा भी चर आता है जिसे हम कहते हैं बहिरंग चर, या जिसे इंग्लिश में एक्सट्रोनियस वेरिएबल या संगत चर भी कहते हैं, जिसका प्रभाव हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर समझा रहा है इन लोगों को, अब यहाँ एक तीसरा व्यक्ति आ गया और वो क्या कर रहा है, वो बीच में बोलने लगा, अपनी राय देने लगा, तो इससे क्या हो गया, इनका जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो गया ना। तो जो प्रभाव इनके ऊपर देखना चाहिए इसका, वो अब केवल और केवल इसका ना दिख के इन दोनों का दिख रहा है। तो ये प्रयोग वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो हमें चाहिए। मतलब हमें इनका पता करना था विश्वसनीयता का, लेकिन वहां पर सिर्फ इनका ही नहीं, इनका भी प्रभाव पड़ने लगा। तो इसीलिए जो थर्ड पर्सन है उसको हम बहिरंग चर कहेंगे, और जो रिसर्चर होता है वो हमेशा बहिरंग चर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है, कि इसका प्रभाव हमारे रिसर्च पर ना पड़े। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे देखें क्या बताया गया है। वही चीज यहाँ पर, कि जिस चर में हम हेर फेर करते हैं या जिस चर में हेर फेर किया जाता है, उसे समाज मनोवैज्ञानिकों ने स्वतंत्र चर कहा है। ठीक, और जिस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब इस हेरफेर का जिस सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, उसे हम आश्रित चर कहते हैं। जैसे वह सामाजिक व्यवहार जिस पर उस हेरफेर का प्रभाव पड़ रहा है, उसे हम आश्रित चर कहेंगे। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या था, विश्वसनीयता, आश्रित चर क्या था, मनोवृत्ति। इसके अलावा एक और चर होता है जिसे हम बहिरंग चर करते हैं, इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जो थर्ड पर्सन आया था वो क्या था, वो बहिरंग चर था। इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें, यहां पर क्या बताया जा रहा है, कि जो आपका प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि के भी कई टाइप्स बताए गए हैं। जैसे यहां पर इनके मुख्य रूप से तीन विधियां इसमें बताई गई हैं। कौन कौन सी, प्रयोगशाला प्रयोग विधि यानी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड, दूसरा क्षेत्र प्रयोग विधि फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, और तीसरा क्या है, स्वाभाविक प्रयोग विधि नेचुरल एक्सपेरिमेंट मेथड, या इसे हम प्राकृतिक प्रयोग विधि भी कह सकते हैं। तो बात करें हम इसकी,
सबसे पहले प्रयोगशाला प्रयोग विधि की, ये लाइन गलती से ऐड हो गया है, इसको क्या करेंगे कट कर देंगे आप लोग। अब प्रयोगशाला प्रयोग विधि क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि प्रयोगशाला प्रयोग विधि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड, यानी यहां पर जो एक्सपेरिमेंट होगा वो लैब के अंदर होगा। यहां पर किसी सामाजिक व्यवहार का हम अध्ययन कहां पर करेंगे, लैब के अंदर, पर्सन को लाकर, जैसे लैब हो गया, लैब के अंदर हम पर्सन को लाए और वहां पर उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसमें प्रयोज्यों की संख्या सीमित होती है, मतलब जिसके ऊपर हमें अध्ययन करना है उनकी संख्या सीमित होती है। सीमित क्यों होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा लैब तो बना नहीं सकते कि उसमें सबको ले आए, और इनकी जो संख्या निर्धारित होती है वो किसके वजह से होती है, वो यादृच्छिक रूप से होती है, रैंडम सिलेक्शन होता है। अब यादृच्छिकरण क्या है, तो इसका भी जो आप रिसर्च के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में पता चलेगा। मैं यहां पर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि यादृच्छिकरण का मतलब ये हुआ कि जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिलेक्शन ऐसा हो रहा है कि जिसमें सभी के आने की संभावना समान हो, कोई पक्षपात ना हो रहा हो और बिना पक्षपात के वहां पर सिलेक्शन हो रहा हो। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर दो ग्रुप लिए गए, एक ग्रुप है आपका कौन सा, ये आपका ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कैसा ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और ये कैसा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप में कुछ बच्चों को लिया गया और उन बच्चों को वीडियोस दिखाए गए, जैसे इस ग्रुप में कुछ बच्चे हैं और इस ग्रुप में कुछ बच्चे हैं। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको वीडियो दिखाया गया कैसा, एकदम एग्रेशन वाला, कि इसमें वीडियो में दिखा रहे हैं कि मार धाड़ हो रहा है, बच्चे लड़ाई कर रहे हैं या लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। और इस ग्रुप को नॉर्मल वीडियो दिखाया गया जहां पर लोग बस आराम से रह रहे हैं, क्योंकि ये कैसा ग्रुप है, ये नियंत्रित ग्रुप है और हम एक्सपेरिमेंट इस पे कर रहे हैं, इस पे हम प्रभाव देख रहे हैं। तो अब प्रभाव किसका देखना है, कि जो चीज यहां पर दिखाई गई उसका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके बाद क्या किया गया, इनको दिखाने के बाद एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा गया जहां पर अगर ये चाहें, मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि ये उदंडतापूर्ण या आक्रामक व्यवहार कर सकते हैं। तो इस ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने आक्रामक व्यवहार दिखाया और इस ग्रुप के बच्चे शांत रहे। तो इस तरीके से अगर ऐसा रिसर्च होता है तो इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला प्रयोग विधि। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्षेत्र प्रयोग विधि की बात करते हैं। अब क्षेत्र प्रयोग विधि क्या है, तो क्षेत्र प्रयोग विधि भी प्रयोगशाला प्रयोग विधि से ही मिलता जुलता है, बस अंतर इतना है कि प्रयोगशाला में आप बहुत सारी संख्या नहीं ले जा सकते और क्षेत्र प्रयोग विधि में आप एक साथ बहुत सी संख्या पर भी आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए बताया गया है, प्रयोगात्मक विधि की दूसरी प्रमुख उपविधि क्षेत्र प्रयोग विधि है। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक किया गया। क्यों अधिक किया गया, क्योंकि यहां पर ज्यादा लोगों के आने की संभावना होती है और इस विधि में किसी सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रयोगशाला में न करके वास्तविक परिस्थितियों में, जिसे समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें किया जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, ये बाहर खुले एनवायरमेंट में ही एक वास्तविक परिस्थिति का, एक नियंत्रित परिस्थिति का निर्माण करते हैं और उसमें फिर एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लीजिए कोई समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र प्रयोग करके यह देखना चाहता है कि क्या डर से व्यक्ति में संबंधन प्रेरणा अर्थात एक दूसरे के साथ हो जाने की आवश्यकता तीव्र हो जाती है। मतलब इनका ये कहना है कि जब भी कोई डर वाली सिचुएशन आती है तो क्या लोग आपस में ज्यादा संबंधित हो जाते हैं, उनके अंदर लगाव बढ़ जाता है, ये इनका टॉपिक था। अब इस चीज के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रयोग में डर क्या था, स्वतंत्र चर था और उसका प्रभाव
संबंधन प्रेरणा पर देखना था, एफिलिएशन मोटिव पर देखना था, तो एफिलिएशन मोटिव क्या हो गया, आश्रित चर हो गया। अब यहां पर बताइए कि मान लीजिए जो प्रयोग करता है वो क्या करता है, वो स्वतंत्र चर का दो स्तर तैयार करेगा, एक अधिक डर वाला स्तर और एक कम डर वाला। मतलब इसमें इन्होंने बताया कि प्रयोगकर्ता को कॉलेज के 30 छात्र इस प्रयोग के लिए उपलब्ध होते हैं और तीसों का सिलेक्शन वो कैसे करता है, रैंडम तरीके से करता है। अब इनको वो दो समूहों में बांट देता है, ठीक, एक समूह ऐसा जिसमें अधिक डर उत्पन्न किया जाएगा और एक समूह ऐसा जिसमें कम डर उत्पन्न किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों समूहों को एक वास्तविक परिस्थिति में रखा। जैसे अधिक डर की परिस्थिति में काम करने वाले समूह को किसी मकान की तीसरी मंजिल पर रख दिया गया और उनसे कहा गया कि मकान के प्रथम दो मंजिलों पर भयानक आग लग गई है। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग में तीन मंजिल है और सबसे थर्ड मंजिल पर कुछ बच्चों को रखा गया और ये बता दिया गया कि नीचे दो जो हैं उनमें आग लग गया है। और सेम चीज अन्य विद्यार्थियों के साथ किया गया, लेकिन उन्हें क्या बताया गया, उन्हें भी रखा गया ऊपर ही, बट ये बताया गया कि इस बगल वाली बिल्डिंग में आग लग गई है। ठीक, यहां पर देखें वही चीज कहा जा रहा है कि मकान के प्रथम दो तलों में भयानक आग लग गई है, ये पहले ग्रुप को बताया गया। और जिनको कम डर दिखाना था तो कम डर की परिस्थिति में काम करने वाले समूह को भी किसी वैसे ही मकान की तीसरी मंजिल में रखा गया और उनसे यह कहा गया कि बगल के मकान में तीव्र आग लग गई है। अब प्रयोगकर्ता ने देखा, प्रयोगकर्ता दोनों समूहों के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिसमें अधिक डर था, मतलब जिसमें बताया गया कि नीचे दो मंजिल में आग लग गया है, उसमें जो अधिकतर सदस्य थे वो एक दूसरे के साथ होकर इंतजार करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ होकर इंतजार करते हैं या एक दूसरे के साथ होकर भागने का प्रयास करते हैं। जबकि जहां पर कम डर था, जहां पर ये बताया गया कि बगल वाली मंजिल में आग लग गई है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि डर से व्यक्तियों में संबंधन अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। तो ये हो गया आपका क्षेत्र प्रयोग से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक प्रयोग विधि की, नेचुरल एक्सपेरिमेंट मेथड। तो इसमें देखिए बताया गया कि समाज मनोविज्ञान में स्वाभाविक प्रयोग विधि का भी प्रयोग किया जाता है, स्वाभाविक प्रयोग विधि या प्राकृतिक प्रयोग विधि। लेकिन अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है। कैसा इंतजार, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि कभी कभी समाज मनोवैज्ञानिक को कुछ इस प्रकार के सामाजिक व्यवहारों का भी अध्ययन करना पड़ता है जिसमें स्वतंत्र चर तो होते हैं परंतु कुछ नैतिक या कानूनी प्रतिबंध के कारण उसमें हम जोड़ तोड़ ना तो प्रयोगशाला में कर सकते हैं और ना ही क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना आया था, तो अब कोरोना का जो इफेक्ट हुआ उसका अध्ययन करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें कोरोना में हम कोई जोड़ तोड़ तो कर नहीं सकते हैं, जैसा प्रभाव है वैसा ही देखेंगे। और या मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि भूकंप आए, हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि नहीं किसी बिल्डिंग में ब्लास्ट करवा दें नीचे कि वहां पे भूकंप आ जाए और हम उसका अध्ययन कर लें, या कहीं पे बाढ़ ला दें और उनका अध्ययन कर लें। तो कुछ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारा बस नहीं चलता है, इंसान का बस नहीं चलता है। इसके लिए जो रिसर्चर है उसे इंतजार करना पड़ता है कि अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो वो स्वाभाविक परिस्थिति में जाकर, उस प्राकृतिक परिस्थिति में जाकर वहां पर रिसर्च करें। इसीलिए इसे प्राकृतिक रिसर्च भी, या कह सकते हैं कि इसे हम स्वाभाविक प्रयोग विधि भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रयोगात्मक विधि को देखा कि प्रयोगात्मक विधि क्या होती है और इसके कैसे टाइप्स हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसलिए इसको इतना लंबा वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एक साथ दो या तीन
मेथड को कवर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।